नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम ke.car.nic.in या carresults.nic.in पर देख सकते हैं। कार्य गृह मंत्री कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र को ABVP सदस्यों की गर्मी का सामना करना पड़ा। कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के आवास की घेराबंदी की, हिरासत में लिया। सिद्धरामैया चाहते हैं कि सीएम इस्तीफा दे, मुंबई का आपा खोया। कर्नाटक सरकार ने प्रवीण नेटारू हत्याकांड का मामला NIE को सौंपा। दक्षिण कन्नड़ हत्याओं पर अश्वथ नारायण कहते हैं यह पुलिस मुठभेड़ों का समय है। सूरतकल हत्याकांड, 21 संदिग्धों की जाँच की गयी। भारी बारिश के बाद मंगलूर में स्कूल कॉलेज में छुट्टी। उपायुक्त डॉक्टर राजेंद्र केवी ने जिले के शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि 1 अगस्त तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखें। कलेंजा हत्याकांड, मसूद की मां खुद को बचाने के लिए चली गई। कर्नाटका में हिंदुत्व समूहों का कहना है कि बीजेपी से नाराज है, लेकिन चुनाव के दौरान उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वोमेन ने सिर्फ प्रवीण के परिवार को मुआवजा देकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया। कर्नाटक के गृह मंत्री के बेंगलुरु आवास के बाहर ABVP कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु के दंपति की फ्लाईओवर पर वाहन की चपेट में आने से मौत, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक मंत्री ने हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर का आह्वान किया। कर्नाटक सरकार जीवन के साथ राजनीति कर रही है, विपक्ष ने एक के बाद एक हत्याओं पर निशाना साधा। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक को दक्षिण कन्नड़ में प्रवेश करने से रोका गया। तेजस्वी सूर्या की टिप्पणी की सरकार सभी स्ट्रोक्स पंक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। कर्नाटक में बाघों की मौत चिंता का विषय। कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि संघ परिवार में कलह का नतीजा है हत्या। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP News ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।